संगति कहिए या उसको सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है, इस तो पूरा बिहार जानता है, उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए, प्रजातंत्र में सजा देने का भी प्रावधान है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जीतन राम मांझी पर बयान दिए थे, अब उसके बाद सियासत तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि बात करने का तरीका होता है, तुम ताम नहीं करना चाहिए था। देखिए, जीताराम मांझी के को लेकर क्या कुछ कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो आपने सुना है, पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। नहीं देखिए, ये तो प्रायः अब भारतीय राजनीति का कि विसंगति कहिए या उसको सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है, इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तुम काम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब ठीक है, उस समय एक ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने गुस्सा में कुछ कह दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है। सर, नीतीश कुमार लगातार अभी अशोक चौधरी के पिताजी के अशोक मजाक की बात को आप लोग इसको सब चीज को इससे उसको जोड़ के उसको नहीं को लेकर बातें करी गई। नहीं, बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर इस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें रखी तो बीजेपी कह रही कि महिलाओं का अपमान किया। बीजेपी और क्या कहेगी, बीजेपी को तो राजनीति करनी है, मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। तो आप मानते हैं कि शब्दों का चयन जो था वो गलत था? तो गलत अगर नहीं होता तो वो माफ़ी क्यों मांगते दूसरे दिन? इस बात को यहीं समाप्त करिए ना, अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर उसको प्रजातंत्र में सजा देने का भी प्रावधान है, लेकिन उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, इसका मतलब उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि उस दिन गलत बात हो गई उनसे। चलिए, धन्यवाद। अब आज हम लोग मौलाना आज़ाद साहब की यहाँ जयंती मना रहे हैं, फिर अलग से कोई प्रेस वार्ता बुला के इस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। आज तो छोड़ दीजिए ना, प्रोफेसर साहब को हम लोग बुलाए हैं इनको सुनने के लिए, आज इसको यहीं समाप्त किया जाए। तो तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान दिए है उस पर अपनी बातों को रख रहे थे, क्या कुछ बोले हैं वो आपने सुना है, और आगे भी जो प्रतिक्रिया के दौर है जारी रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीताराम मांझी को लेकर क्या कुछ बोले थे आप लोग जानते हैं। पर अब देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।